हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो एक श्राप के कारण 500 सालों से वीरान पड़ा है, ना ही उसमें कोई पूजा पाठ हुई है 500 सालों से। तो आप चलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको दिखाएंगे भी उस वो मंदिर। अभी हम राजस्थान में हैं, जो हम भानगढ़ किले की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम भानगढ़ के लिए यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं और अब भानगढ़ का किला आ गई है। तो अभी हम भानगढ़ किले के गेट पे आ चुके हैं। ये गेट को हनुमान द्वार कहा जाता है, यहीं से एंट्री होती है और ये हनुमान जी का मंदिर है। और सामने ही टिकट काउंटर है जो कि 25 रुपये का टिकट लगती है। और ये भानगढ़ किले का नक्शा है। तो अभी हम भानगढ़ किले के अंदर जा रहे हैं और ये भानगढ़ किले का उस जमाने का बाजार हुआ करता था, मार्केट हुआ करता था, बहुत सारी दुकानें थी। और इन मार्केट की दुकानों की एक खासियत थी, इनमें किसी में भी दरवाज़ा नहीं लगा था, क्योंकि बोला जाता है कि इन मार्केट में जो भी सामान बिकता था, हर दुकान पे अलग अलग सामान बिकता था। और ये अभी हम एक ऐसी दुकान में घुसे हैं, देखिए पूरा पत्थर से बना हुआ है ये दुकान। तो आपको थोड़ा सा ऊपर चल के एक व्यू भी दिखाते हैं, ऊपर से कैसा दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ अभी हम ऊपर चल रहे हैं और दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ हवेलियां भी हुआ करती थी। पीछे देखिए हवेली है, तो ये भी हवेली है, ये पूरा मार्केट हुआ करता था। चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। अभी हम आपको 16वीं शताब्दी का कुआं दिखाएंगे। ये देखिए वो कुआं है 16वीं शताब्दी का, जिसमें आज भी पानी है। ये देखिए, और ये साफ पानी है बिल्कुल, ये पानी अभी भी पिया जाता है। अभी हम गोपीनाथ मंदिर पे आ चुके हैं। यही वो मंदिर है जो लगभग 500 सालों से वीरान पड़ा है और इस मंदिर में अभी तक कोई पूजा पाठ नहीं होती है आज भी, क्योंकि इस मंदिर को श्राप दिया गया था, इस पूरे किले को, जिसकी वजह से ये खंडर होता जा रहा है ये मंदिर, और वीरान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अंदर तो भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ बाहर दीवारों पे बनी हुई है, ये गणेश जी की मूर्ति है इस साइड, और यहाँ पे दूसरी साइड है गौरी पार्वती जी की और शंकर भगवान की। और मंदिर अंदर से तो बहुत ही सुंदर बना है, ये नागर शैली में बना हुआ है मंदिर, अभी भी बहुत ही अच्छी हालत में है, लेकिन यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती। तो अभी हम चलते हैं, आपको पूरा मंदिर बाहर से दिखाएंगे। इस किले में चार मंदिर हैं, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय और मंगला देवी मंदिर। अभी हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और आपको पूरा मंदिर बाहर से भी दिखाते हैं। नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर कितना सुंदर है और कितना भव्य रहा होगा उस टाइम पे, जो 500 वर्ष पहले ये बनाया गया होगा। और बहुत ही अच्छा मंदिर है अभी भी, क्योंकि ये वीरान पड़ा हुआ है, पूजा पाठ होती नहीं है एक श्राप के कारण। कई लोग कहते हैं इस पूरे किले में भूतों की आवाजें आती हैं और भूतिया किला है ये, इसी वजह से लोग यहाँ पे शाम को आते नहीं है डर से। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं पूरा किला और पूरे किले के बारे में भी बताते हैं। दिल्ली गेट है, यहाँ से तो सारे एंट्री कर लेते थे। हाँ, एंट्रीज गेट है। अब तो जैसे एंट्रीज तो एक ही गेट से होती है, हनुमान गेट से। जैसे टिकट वगैरह नहीं कटाते हैं वो लोग, जैसे अदर गेट से भी एंट्रीज करते हैं, कर लेते हैं। अच्छा, जगह है अंदर आने का और भी है। हाँ वैसे तो देखो, वैसे किले में प्रवेश करने की तीन बाउंड्री है। देखो फर्स्ट बाउंड्री है बाहर की, फिर सेकंड बाउंड्री है, फिर थर्ड बाउंड्री है। मैं चार मंदिर बता देता हूँ। एक गोपीनाथ मंदिर है, एक ही डिजाइन के मंदिर है चारों। एक गोपीनाथ मंदिर है, उस सामने सोमेश्वर मंदिर है। इधर देखो ये केसराय मंदिर दिख रहा है, ये सामने इसके जस्ट ये पेड़ों से नहीं दिख रहा है, इधर मंगला देवी का मंदिर है।
एक ही डिजाइन के चार मंदिर हैं, नागर शैली में बने हुए हैं ये। नहीं मूर्ति वगैरह नहीं ना, ये चारों मंदिर एक नागर शैली में बने हुए हैं, मतलब एक ही डिजाइन में बने हुए चारों मंदिर। ये मंदिर देखो, ये देखो ये बर्गर का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे जो कमरा दिख रहा है ये है जिन वगैरह होते हैं ना उनकी बावड़ी है ये। अच्छा जिन्नों की। ये देखो ये किला ऐसी डिजाइनिंग में बना हुआ है बिल्कुल ढलान की तरह, कहने का मतलब बिल्कुल उस टाइम तो जैसे बहुत सुंदर दिखता था ये। मतलब ढलान की तरह, मतलब देखो सारी ऊंचाई पे किला, कहने का मतलब देखो ढलान में है ये। उस टाइम इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, बाहर से देखते तो इतना सुंदर दिखता था। थर्ड बाउंड्री है, थर्ड बाउंड्री में फर्स्ट गेट है ये। देखो इस किले में ये फर्स्ट बाउंड्री में थर्ड बाउंड्री रानी उस पर रहती थी। देखो ऐसे सिद्ध वगैरह बने हैं, राजा यहाँ रहता था पहले, ये सब गांव वाले रहते थे। राजा प्रजा वगैरह भी इधर भी रहती थी, काफी प्रजा राजा की थी ना। ये छिड़ वगैरह बने हैं, देखो इस किले में छिड़ वगैरह बने हैं, किले की रक्षा वगैरह करने के लिए छिड़ वगैरह बने हैं, सैनिक वगैरह बैठे थे इधर, बंदूक वगैरह तोप वगैरह लगा के। ये जो कमरा है ना, सैनिक वगैरह उनका बैठने का कमरा है ये। राजा वगैरह थे, उनके पास ऐसे फोर व्हीलर वगैरह नहीं थी, उनके पास ऐसे घोड़े वगैरह थे, बैलगाड़ी वगैरह थी। ये घोड़े वगैरह चढ़ाई पे चढ़ने में आसान रहते, घोड़े वगैरह उनको आपने कहीं पे कई जगहों पर देखा होगा, आमेर में देखा होगा, आमेर देखा होगा आपने, आमेर में जैसे घोड़े वगैरह है, हाथी वगैरह है, जैसे चढ़ाई पे चढ़ने में आसान रहते घोड़े वगैरह उनको तो। लेकिन ऐसे किले में सीढ़ियों से भी चढ़ने का रास्ता है, ये सामने दिख रहा है ना दरवाजा, वो किले में सीढ़ियों से चढ़ने का रास्ता है वो, जो छोटा सा दरवाजा है फूटी। अच्छा अभी हम किले के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, अभी आप जो ये सामने देख रहे हैं सिरिस्का जंगल का हिस्सा है, यहाँ से सिरिस्का जंगल शुरू होता है और यहाँ पे केवड़े के पेड़ भी हैं, तो ये संरक्षित एरिया है वन विभाग द्वारा, यहाँ पे कोई ऐसा एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग नीचे खड़े हैं। तो यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है सिरिस्का जंगल, इसलिए यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है किसी की भी ऐसे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। द्वार है सर, सीधे मुख्य द्वार में ऊपर की छतें वगैरह है भाई, हाँ जी ये अभी बनाई है गवर्नमेंट ने। अच्छा ये टूट चुकी थी सारी। हाँ देखो अलग ही दिख रहा है दरवाजे, हाँ हाँ अलग दिख रहा है, अभी गवर्नमेंट ने अभी बनाई है। देखो ये सभापति कक्ष है ये, हाँ ये राजा बैठते थे यहाँ पे, जैसे राजा वगैरह इधर बैठते थे वगैरह पड़े। पहले किला सात मंजिला था ये, सात मंजिला, हाँ ये देखो सात मंजिला किला था, इसके ऊपर तीन मंजिला टूट गई, तीन मंजिला टूट चुका है। हाँ तो जैसे मंजिल था ये, राजा रानी यहाँ से बाहर निकल सकते थे कोई हमला होता तो। छोटा सा ये गेट, ये कहाँ निकल पाएगा, ये है ये जंगल में निकल जाता है। ऊपर का भी रास्ता था, बंद है ये अभी, बंद कर दिया ना, इसलिए कर दिया ना रास्ता। ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे रास्ता हो चुका है ब्लॉक। चलिए आपको इस किले के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, क्यों कहा जाता है इसको भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है ये किला, और इस किले के बारे में कई सारी कहानियां भी हैं। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास जी ने 16वीं शताब्दी में कराया था, जिनके दो पुत्र थे राजा मान सिंह और माधव सिंह। इस किले को बाद में माधव सिंह जी की रियासत की राजधानी बना दी गई। माधव सिंह जी अकबर के दरबार में दीवान के रूप में कार्य किया करते थे। इस किले को खंडर और भूतिया होने के पीछे एक कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उन दिनों यहाँ पे रानी रत्नावती जी रहा करती थी, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उनकी सुंदरता के चर्चे काफी राज्यों में फैले हुए थे और इस पूरी रियासत में के लोग उनको देखना चाहते थे एक बार, और बहुत ही ज्यादा सुंदर होने की वजह से वो इसी नगर में एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम है सिंधु सेवड़ा। वो भी रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था उसने भी, और वो रानी को देखना चाहता था और उनसे मिलना चाहता था, वो रानी को पाना चाहता था, उसकी बुरी नजर थी रानी पे। तो जब एक बार रानी अपनी दासियों के साथ बाजार जाती हैं इत्र लेने के लिए, तो सिंधु सेवड़ा जो तांत्रिक है वो वहाँ उपस्थित होता है बाजार में ही,
तो रानी जब इत्र खरीदती है तो वो देखता है उसी दुकान में जाके वो इत्र पे काला जादू कर देता है और बोलता है कि जो भी ये इत्र सबसे पहले लगाएगा वो सीधा मेरे पास आएगा। जब ये इत्र की शीशी रानी के पास लेके पहुंची दासी, तो जब रानी ने इस शीशी को खोला तो इत्र घूम रहा होता है। रानी को शक होता है कि इस पे किसी ने कोई अलग जादू किया है, तो रानी ने ये शीशी उठा के बड़े से पत्थर पे तोड़ दी। वो पत्थर उड़ के सीधा तांत्रिक के शरीर पे जाके गिरता है और वो घायल हो जाता है और मरने लगता है। तो मरते मरते वो श्राप देता है, जिस तरह मैं मर रहा हूँ यहाँ के लोग भी मर जाएंगे और ये किला तहस नहस हो जाएगा, खंडर में बन जाएगा। तो वही ये श्राप है जिसकी वजह से इस किले की ये हालत होगी है। बहुत सारे लोग उस श्राप के कारण मारे गए, इसी लोग यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस किले में से आवाजें आती हैं भूतों की, मतलब लोगों की चिल्लाने की, चलने की, पायल की। तो अभी देखिए हम एक ऐसे ही खंडर से कमरे में आए हैं, वीरान सा अंदर है अभी हम किले के, और यहाँ पे एक सीढ़ियाँ भी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, आपको और भी जगह दिखाते हैं। काफी डरावना सा लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खंडर हो चुका है। तो आगे चल के एक और आपको कमरा दिखाते हैं, देखिए सब खंडर हो चुका है। तो अभी हम दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक और कमरा है यहाँ पे। ये देखिए सामने छोटा सा कमरा है, इस पे दीवार पे पेंटिंग भी बनी है उसी टाइम की। और ये अभी हम लगभग तीसरी मंजिल पे है क्योंकि इसके साथ चार मंजिल टूट चुकी है, सात मंजिला हुआ करता था ये किला। तो ये कमरा है वो, अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं और किले में एक छोटा सा मंदिर भी है वो भी दिखाते हैं आपको। अभी हम मंदिर के पास आ चुके हैं, सामने छोटा सा मंदिर है, ये भी बंद है, इसमें भी पूजा पाठ नहीं होती है। तो काफी डरावना सा लगता है यहाँ अंदर आके किले में, देखिए सामने ये मंदिर है। अभी हम मंदिर के अंदर है, ये वही मंदिर है देखिए, किले के अंदर वाला मंदिर, और यहाँ पे भी पूजा पाठ नहीं होती है क्योंकि इस मंदिर में श्रापित है ये मंदिर भी। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, ये सब खंडर हो चुका है, यहाँ देखिए सब खंडर ही हो रखा है पूरा किला। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।